हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। सो डेफिनेटली आप सबको पता है कि जैकपॉट ने आप लोगों का क्लास 11 का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से डेफिनेटली हिस्ट्री और हिंदी इलेक्टिव का सॉल्यूशन देख चुके हैं, जिसमें हम लोग मॉडल सेट नंबर 1 को डिस्कस किए थे। ठीक डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट के मुताबिक यानी कमेंट को देखते हुए आज मैं लेकर आया हूं ज्योग्राफी, जिसका आंसर की डेफिनेशन बहुत ही लेट से हमें मिला है, इसलिए मैं डेफिनेटली आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इसको। इस वीडियो को हम ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट तक पहुंचाएं जिनको पता नहीं कि जैकपॉट ने मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। सो गाइस, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ वीडियो के बिना स्किप किए देंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों को इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लोगों को नोट करवाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से जैकपॉट ने जो भी मॉडल से जारी करेंगे उन सब का सॉल्यूशन चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से बने रहे। सो गाइस, 100% आपको सिलेक्शन अगर मिलना है तो इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जुड़े रहे, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो 5-5 मॉडल से प्रोवाइड कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहते हैं कि सर हमें 5 मॉडल से का पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। तो चलिए डिस्क्रिप्शन हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, अभी मैंने आप लोग जस्ट डिस्कस किया वो क्या है आपके सामने। सबसे पहले आप याद रखिएगा ज्योग्राफी है क्या होगी डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले जो है वो भूगोल से रिलेटेड देखेंगे, और जो भी मैं बताऊंगा डिस्क्रिप्शन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये हम अपने घर की तरफ से ले आए, जिसमें से आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट नंबर 1। तो एक एक करके हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम ऑब्लिगेशन, जिसमें से एक एक क्वेश्चन का आपको ध्यान पूर्वक स्टडी करना है। तो पहला क्वेश्चन भी आप लोग आते हैं, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। जो भूगोल है उसके जनक या उसके पिता किसे कहते हैं, याद रखिए क्या एरिस्टॉटल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या एरिस्टॉटल इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके पास 2, कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थलकृत नदी द्वारा निर्मित है। आपको इसमें बताना है कि जो कौन सी नदी है वो अस्थलकृत, याद रखिए क्या होगी अस्थलकृत, यानी सेफ फॉर्मेड बाय द रिवर। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे मैं बताऊंगा आपको, 3 उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है, यानी कौन से सब इसमें 4 में से विकल्प में से आपको बताना है वो कौन सा विकल्प है जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम पे वायुमंडल के निर्माण के लिए सहायक नहीं है। याद रखिए गैस का उत्सर्जन होना, गैस का उत्सर्जन से ही आज हमारे पूरा वायुमंडल क्या हो रहा है, पोल्यूशन से भर रहे हैं, इसलिए वायुमंडल को चाहिए गैसों से छुटकारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि काष्ठ पर देशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बताना है। मूव करते हैं क्वेश्चन 5, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ था। जो तारों का निर्माण रिसर्च उसका कितने वर्ष अरब पूर्व हुआ था, तो याद है कि इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, पर आपको अगर आप इस तरह से ऑप्शन मिले आपको एग्जाम में तो आपको इस तरह से मिलने वाला नहीं, आपको तो छोड़कर आना नहीं है, तो आपको करेक्ट करना है 8 अरब वर्ष पूर्व। पर इसका जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा 9 से 10 वर्ष अरब पूर्व, याद रखिएगा 10 अरब। और ये क्वेश्चन जो है जैकपॉट ने थोड़ा सा आंसर की पे मिस्टेक किए हैं, 2-4 क्वेश्चन पे मिस्टेक किए हैं, जिसको मैं सुधारने का आप लोगों को सामने कोशिश करूंगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, यानी फर्स्ट श्रेणी का उपभोक्ता आपको बताना है। तो फर्स्ट श्रेणी का उपभोक्ता क्या आ जाएगा, बकरी, क्या हो जाएगी, गॉट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परत कोर, याद रखिएगा जिसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट भी हम लोग बोलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। तो निकेल और लोहा के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी तरह सब लोग डिस्कस करवा चुके हैं, निकेल और लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो वृक्ष है आपको बताना है कि सबसे ऊंचा वृक्ष जो है किस वन में पाए जाते हैं, विश्वतीय वर्ण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर, विश्वतीय वर्ण वातावरण जीवों में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दक्कन ट्रैम्प किस प्रकार के उदार का परिणाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि जो दक्कन ट्रैम्प है किस प्रकार के उदार के परिणाम है। तो प्रवाह, फॉलो इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपके पास 10, भारत के देशांतरी विस्तार का अंतर कितना है। इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन, अगर किसी को याद रखिएगा ईस्ट और वेस्ट या नॉर्थ और साउथ का अगर डाटा पूरा क्लियर नहीं है तो इसका आंसर आप नहीं बता सकते हैं। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा क्या, 30 डिग्री, याद रखिएगा लगभग 29 डिग्री समथिंग कुछ आ रही थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें मेंशन भी क्या हुआ है कि आपको अप्रोक्सीमेशन बताने के लिए लगभग इसका सही उत्तर होगा क्या,
ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। इसीलिए चारों दिशा है उसमें आपको बात याद रखना है, तभी जाके आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जो प्लेट है उसका विवर्तनीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन क्या देखिए मैकेंजी ने, इसने क्या था मैकेंजी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है आपके सामने। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील होता है तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन इसका आंसर क्या ढूंढ कर लाए, क्योंकि थोड़ा सा ज्योग्राफी में थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है, तो भारत की मुख्य भूमि में उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगी 3214 किलोमीटर, कितना हो जाएगी 3214 किलोमीटर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न का आते हैं कि सर्वहान द्वारा सिद्धांत किसने दिया था, जो सर्वहान है इसका सिद्धांत किसने दिया था, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाला है। इसका राइट आंसर हो गया आर्थर होमस, क्या हो जाएगी आर्थर होमस, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो आपका हो जाएगा यमुना, इसका राइट आंसर होगा यमुना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक गोन प्लेट है, इसमें आपको बताना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकतर स्टूडेंट को बताने की गोन प्लेट क्या है, इसमें आपको बताना है कि गोन प्लेट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट इसका क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर जवर्धन मुख्य बनाती है, कौन सा नदी, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मॉडल पेपर ने डिस्टेंस अभी तो सेट वन तक निकाला है, हो सके इसके बाद सेट टू सेट थ्री भी निकालेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसका सही उत्तर होगा नर्मदा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कठोरतम पदार्थ कौन था, याद रखिए सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो हीरा है, पर आपके ऑप्शन में तो हीरा है नहीं, तो हीरा के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है यानी सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है जगह आपकी क्या क्वार्टर, क्या हो जाएगी क्वार्टर, इसको आपको सही तरीके से स्टडी करना है। क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिण बिंदु आपको बताना है, भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपको बताना है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगी कन्याकुमारी, क्या हो जाएगी कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन का इसलिए मैप से रिलेटेड आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैप से रिलेटेड 5 मार्क्स में पूछे जाएगा, चाहते हैं कि मैप से रिलेटेड एक सेपरेट से वीडियो होना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। ये क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया हुआ है कि भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है, तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित है, कौन सा याद रखे कुंचम, याद रखे कुं चांग, इसका याद रखिए कितना अगर हाइट पूछा जाए तो 455 मीटर, याद रखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन गलत है, एक भी ऑप्शन इसमें से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब जाड़ा के दिन आते हैं तो दक्षिण दिखेगा आपको पता नहीं है तब देखेंगे तमिलनाडु में उस समय में भी वर्षा होती है, इसके रीजन आपको बताना, इसके जो रीजन है ना याद रखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है, तो कपास उत्पादन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट मिट्टी है याद रखिएगा काली मिट्टी हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी किस तरह सबसे ज्यादा जो सब्जी को उपजाऊ होती है यानी कपास फल की, याद रखिए वो है जलोढ़ मिट्टी। 22, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, जो सिंधु नदी है आपको बताना है क्वेश्चन, सिंधु नदी वो किस अरब सागर में गिरती है, याद रखिए किस सागर में गिरती है, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, तो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम मॉडल सेट नंबर 2 भी प्रोवाइड करें 3 भी प्रोवाइड करें तो बिल्कुल डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे 100% आप लोगों को क्वेश्चन में करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं, तो आप चाहते हैं सर बिल्कुल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। चंद्र वन किस तरह के वन के उदाहरण है, जो चंद्र वन है वह किस तरह के वन के उदाहरण है, जो चंद्र वन है उसमें आपको बताना है कि चंद्र वन किस तरह के वन के उदाहरण है, याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा पर्णपाती वन, क्या हो जाएगी पर्णपाती वन, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न आपके सामने 24, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाले शुष्क एवं गर्म पवन को क्या कहते हैं, जो उत्तर भारत में डिफरेंट आपको बताना बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा स्टूडेंट ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि उत्तर भारत की जो मैदान में जब शुष्क और गर्म हवाएं चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिए क्या हो जाएगी लू, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या लू। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25,
कि इनमें से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको इसमें बताना है कौन से ऐसे स्टेट है जहां पे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। याद रखिएगा क्वेश्चन, इसका ट्रिक है क्या, मित्र झार गमछा याद रखिएगा, जिसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा इसमें आपको बताना है, गुजरने वाले अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा झारखंड, पर इसमें ना तो बिहार गुजरते हैं, ना ही उड़ीसा और ना ही उत्तर प्रदेश। तो आपसे गुजरने वाले रेखा पूछा गया झारखंड, झारखंड के कहां पे, याद रखिएगा रांची के सीधे पे, याद रखिएगा भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य सीधी किरणें पड़ती है। यानी आपको बता रहे हैं किस लैटिट्यूड सन, यानी इन विच एटीट्यूड सन इज डायरेक्टली ओवर हेड ऑफ एट नून 21 जून। इसका जो ऑप्शन आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको जल्द से जल्द बताना है कि 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश, या आपको बताना है कि 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी बिंदु। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से है। तो मौसम पसंद ट्रोपोस्फीयर, मैंने बहुत अच्छी तरह से बता रखी है, झोंक मंडल इसका राइट आंसर होगा। आप चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है। जो वायुमंडल है उसमें बताना है, उसमें जो इन्वायरमेंटल रेडिएशन, इसमें आपको बताना है कि नाइट्रोजन जो है जिसका संकेत एन से इंडिकेट करते हैं, जो नाइट्रोजन है इसमें आपको बताना है कितने परसेंटेज गैस जो है पाए जाते हैं वायुमंडल में। तो 78.8% याद रखिएगा, 78.8%। पर अच्छा आपके एक्चुअली डाटा पूछा था तो इसका एक्चुअली डाटा है जिसका, याद रखिएगा 78.08 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर आपके सामने ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 29, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अगर आपसे ग्रीन हाउस गैस पूछा जाता तो आपको बताना है कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और बहुत सारे गैसेस, इसमें 6-4 गैस का मिक्सचर है। आपको बताना है कौन सा गैस जो है ग्रीन हाउस का गैस नहीं है। याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस का गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर डी। मुख्यतः अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन होता है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण क्या कहलाता है। यानी जो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनों का दाएं और विक्षेपण होती है वो किस कारण से होती है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी घूर्णन के कारण, क्या हो जाएगी, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है। जो महासागरी में जो जल के ऊपर और नीचे जो गति होती है वो किससे संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है, जो ये पिछले साल भी पूछा गया क्वेश्चन था और आपको इसी तरह से भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो टाइड यानी ज्वार के कारण होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुख किया जाए अगला क्वेश्चन भी, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं। यानी पृथ्वी के सतह पर, या हिंदी में गलत दिया हुआ याद रखिए, वहां विक्षेपण होगा। आपको बताने की पृथ्वी के सतह पर गिरने वाले जल के रूप को हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ण विक्षेपण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर देगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर मूव करते हैं, महासागरों की औसतन लवणता कितनी है। जो आपको बताना है एवरेज किसका, यानी महासागरों का आपको बताना है कि जो ओशियन है उसका सैलिनिटी कितनी है, एवरेज में बताना है, याद रखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना, 35%, ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। आपने अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन भी, इसमें से आपको बताना है कि जो स्थान के तापमान में चेंजेस ला सकती है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, एल्टीट्यूड एल्टीटाइड याद रखिएगा, या समुद्री डिस्टेंस फ्रॉम सी, या ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, अक्षांशी, क्या हो जाएगी, अक्षांशी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बंगर, मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करवाए कि खादर और बंगर किसमें आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम पढ़ चुके हैं कहां पे, जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी में ही सबसे ज्यादा फसलों के उत्पादन होते हैं। काली मिट्टी में किसका उत्पादन होता है, मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन कपास में, इसका सही उत्तर होगा क्या, कपास। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें बताना है, जो क्वेश्चन है हम लोग 10th क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से वेपरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें आपको बताना है कि जो निम्नलिखित में से वो कौन सी इस प्रक्रिया है, यानी कौन सा सिचुएशन है जिसके द्वारा जल
लिक्विड यानी वाटर जो है जैसे आपको गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका आपका ऑप्शन बताना संवहन, वाष्पीकरण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वाष्पीकरण, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। प्रकाश वर्ष मैंने बहुत अच्छी तरह सब लोग बता कर रखे, क्या हो जाएगी दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे मूव करते हैं, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। जो आपदा प्रबंधन जब हमारे पास आ जाते हैं याद रखिएगा क्या क्या डिस्ट्रॉयड होती है। तो निवारण ये तो बिल्कुल सही है, पुनर्निर्माण यानी एक स्थान छोड़कर हमें दूसरा जगह पे जाना पड़ता है यानी दूसरा घर भी बनाना पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। पुनर्वास जब हमारे पास आपदा प्रबंधन आ जाती है तो हमें एक घर से छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसी तरह से इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। मुख कर दिया अगला क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सी है। आपको बताने के लिए दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर तो भी आपका आंसर वही होगा जो अभी हम बताने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी महासागर क्या होगी तो आर्कटिक महासागर, आपको बताना है क्या होगा सबसे छोटी, इसको भी नोट डाउन करेंगे आप लोग। सबसे छोटी महासागर क्या होगा आर्कटिक महासागर। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे गहरा या सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर, क्या होगी प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में लास्ट पे चलते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है। जो सूर्य का ताप है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगी तो इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, कहां पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। सो गाइस आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हमने जैकपॉट की तरफ से जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किए गए उन सबका सोल्यूशन चाहिए तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। अब कोई भी ऐसा बंदा है जो अभी तक हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1 और हिंदी इलेक्टिव का मॉडल सेट नंबर 1 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अच्छी तरह से लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो भी जैकपॉट ने जारी किया उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं सोल्यूशन आप लोगों को करवा कर रखे, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए अगला वीडियो जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह है आपका हिंदी इलेक्टिव के साथ, हम देखेंगे हिंदी कोर और इंग्लिश इलेक्टिव में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करें। तो चलिए एक न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय।